दोस्तों फाइनली यहाँ पे 5G मतलब लावा ब्लेज 2 5G के साथ लॉन्च हुआ। अब यहाँ पे सबसे अहम बात इसमें ये है कि इसकी जो डिज़ाइन है, इसका जो नाम दिया रखा है ब्लेज 2 5G लॉर्ड ऑफ 5G, मतलब कि सबसे यूनिक तरीके से ये लॉन्च हो रहा है। पहले के मुकाबले से काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे बता दूं मैं कि लावा जो ब्लेज 5G है, ब्लेज 2 का 5G है, वो काफ़ी यूनिक, जैसे कि डिस्प्ले है इसमें 6.5 इंच का एक बड़ा सा HD+ डिस्प्ले दिया है, जहाँ पे 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, हाई रेजोल्यूशन वाला लॉन्च किया है। प्रोसेसर की वहाँ बात कर लें तो मीडियाटेक डायमेंसिटी का 6020 चिपसेट है, जो कि इसके साथ ही ग्राफिक्स के लिए माली G57 GPU मौजूद है। स्टोरेज डाटा स्टोर करने के लिए ये कंपनी ने मोबाइल के 2 स्टोरेज ऑप्शंस के पेश कर सकती हैं, जिसमें 4G+64GB और 6GB रैम 128GB का मॉडल शामिल है। कैमरे की बात कर लें तो इसमें आपको टीजर वीडियो में कंफर्म किया गया है कि डिवाइस में 50MP का प्राइमरी कैमरा लेंस मिलेगा और इसके साथ ही एक आई टेक्निक का सपोर्ट है। जो कि बैटरी के बारे में बात करें तो इस डिवाइस में USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलने के बाद सामने है। और यहाँ पर डिवाइस में डुअल सिम 5G ब्लूटूथ वाईफाई फिंगरप्रिंट जैसे फीचर्स भी हैं। लावा ब्लेज 2 5G को चलाने के लिए इसमें एंड्रॉयड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम की बात इसमें सारी चीज़ें खुलासा हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बताऊँ आपको ये चीज़ जो 5G है, मतलब कि ये काफ़ी दमदार फ़ोन होने वाला है, जो कि ऑफिशियली तरीके से इन्होंने अनाउंस किया है कि 2 नवंबर को 12 बजे दोपहर यूट्यूब पे लॉन्च होगा, मतलब डिजिटली लॉन्च करेंगे और इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बेचने के लिए उपलब्ध रहेंगे। आप जाके इसको ख़रीद भी सकते हैं ऑफलाइन, और पहले से भी एक चीज़ आपको कह सकते हैं कि एडवांस बुकिंग चल रही है। AI कैमरा मार्क भी नज़र आ रहे हैं, सबसे सारी चीज़ें यहाँ से खुलासा दे रखे हैं। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो तक की वीडियो को पसंद आ जब लाइक करना शेयर करना, मिलता हूँ मैं से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।